पूरे देश के साथ ही मकर संक्रांति का पर्व संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग में बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर संगम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर अलग ही छटा इस मौके पर देखने को मिल रही है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के यहाँ आने का क्रम शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु माँ गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मनोकामना पूरा हुआ और मैं नोएडा से आई हूँ और मैं अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन मुझे मेरी मन की इच्छा थी और मेरी इच्छा पूरा हुआ और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने गंगा माता से कामना की अपने परिवार की सुख शांति के लिए और बस। घाटों पर अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, वही लोग पूजा अर्चना करते दिखे। दान पुण्य का महापर्व मकर संक्रांति के दिन यानी आज किया गया दान पुण्य पूजन अर्चन का मान्यता के अनुसार अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन तिल, खिचड़ी, गुड़, वस्त्र और क्षमता अनुसार मुद्रा का दान का विशेष महत्व है। आज मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य भगवान धनु राशि से निकल कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस समय सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए तिल, गुड़, अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान देकर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया जाता है और इस परम पवित्र घाट पर, परम पवित्र गंगा यमुना सरस्वती मैया जी के संगम घाट पर स्नान करके ब्राह्मणों को उचित दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपना और अपने जीवन और पितरों का उद्धार करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसलिए सर्व जन जीवन को इस आस्था के समय आस्था की डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, यथार्थ और कृतार्थ होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व एटीएस के जवान भी लगाए गए हैं और 200 से ज्यादा सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और ड्रोन से भी घाटों की निगरानी की जा रही है, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। वही माघ मेला अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया, श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 11 स्थान घाटे बनाए गए, हर तरह की मेला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, जिससे कोई समस्या ना हो। श्रद्धालु स्नान करने माघ मेले में देर रात से आ रहे हैं। मेला व शहर की सड़क पर श्रद्धालु की भीड़ है।